नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया चैन स्नैचिंग गिरोह के चार अभियुक्तों को पॉलिटेक्निक गेट के पास से पुलिस ने धर दबोचा। उनके कब्जे से एक चैन और 22,700 रुपए नकद भी बरामद हुआ। पिछले कुछ महीनों से थाना कोतवाली क्षेत्र में चैन स्नैचिंग के गिरोह द्वारा महिलाओं के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। ज्यादातर घटनाएं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे और चैन खींचकर मोटरसाइकिल से फरार हो जाते थे। इस घटना की गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने एसओजी टीम ने विभिन्न स्थानों पर हुई लूट चैन स्नैचिंग गिरोह के चार अभियुक्तों को पॉलिटेक्निक गेट के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक चैन और 22,700 रुपए नकद पर लूट की एक मोटरसाइकिल व 3 चोरी के मोबाइल भी बरामद किया है। सीओ सिटी के माने तो जिला समाज कल्याण विभाग का वसूली सहायक ही निकला चैन स्नैचिंग व लूट की घटना का मुख्य सूत्रधार। इस बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, आज थाना कोतवाली परिसर में एक पीसी आयोजित की जा रही है, जिसमें जिसके अंतर्गत चार अपराधियों को जो कि चैन लूट के अपराधी है, शादी के अपराधी है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इन्होंने हमारे जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी कई लूट की चैन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। पीछे काफ़ी दिनों से गैंग काम कर रहा था, एक अंतर जनपदीय गैंग है, सभी मूलतः चारों ये देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। इनके पास से 22,700 रुपये नकद, जो कि चैन की लूट के ही नकदी है, इसके अतिरिक्त एक लूट में गई चैन बरामद हुई है, 3 इनके पास से मोबाइल फोन तथा 1 मोटरसाइकिल, वो भी चोरी की है, जो कि इन्होंने जनपद मऊ से चुराई थी इस काम को उद्देश्य देने के लिए। इस मामले में आज यहाँ पर इन लोगों को गिरफ्तार कर। सर, जैसा कि आपने कहा गिरोह की, तो इसका मुख्य सूत्रधार कहाँ पे बताया? इसका जो मुख्य सूत्रकर्ता है वो इसमें अनूप कुमार हैं और जो जिला समाज कल्याण विभाग के वसूली सहायक हैं, उनके द्वारा ये काम, मतलब उनके यहाँ पर जी यहाँ पर किराए पर रहते थे, इसके अतिरिक्त वही लोग अपने अन्य सदस्यों को बुलाते थे, विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को समझ करवाने के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में वो काम करते थे और उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा। किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे? ये बेसिकली जैसे जो महिलाएं सुबह टहलने के लिए जाती थी, शाम को इवनिंग वॉक पे जाती थी, तो उसी क्रम में पहले ये लोग जाते थे, उसकी रैकी करते थे, उसका मूवमेंट देखते थे कि रास्ते से निकल रही है, एक व्यक्ति उसमें से चलता था पीछे से झपट्टा मारकर, फिर एक मोटरसाइकिल, क्योंकि स्पीड में मोटरसाइकिल लगते तो निकलकर भाग जाते थे। कई जगह हम लोग चूंकि इनके बीच में गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे काफी दिनों से, और उसके बीच में सीसीटीवी फुटेज भी जो हम लोगों को उपलब्ध हुए उनके उसमें भी तस्दीक किया गया है, ये लोग उसके आधार पर भी चिन्हित कर इनको अपराधी के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेजा।